नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। जिला सिरमौर को 15 नवंबर तक डीसी सिरमौर के आदेशों के बाद बेसहारा पशुओं से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में नगर परिषद नाहन लगातार बेसहारा पशुओं को पकड़ने की मुहिम चलाई है। अभी तक करीब 50 बेसहारा पशुओं को नगर परिषद द्वारा पकड़कर गो सेंचुरी व गौशालाओं में भेजा गया है। नगर परिषद नाहन के सफाई निरीक्षक सुलेमान ने जानकारी देते हुए बताया कि डीसी सिरमौर के आदेशों के बाद नगर परिषद एक्शन में है। उन्होंने कहा कि अभी तक नगर परिषद द्वारा करीब 50 से अधिक बेसहारा पशुओं को पकड़कर गो सेंचुरी राजगढ़ व गोसदान नाहन छोड़ा जा चुका है। उन्होंने बताया कि यह मुहिम लगातार जारी है। आने वाले एक सप्ताह के भीतर जिला मुख्यालय नाहन को बेसहारा पशुओं से मुक्त कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि नगर परिषद की बेसहारा पशुओं को पकड़ने की मुहिम के बाद अब शहर की सड़कें बेसहारा पशुओं से मुक्त होती दिख रही हैं। मुख्य रूप से शहर के बाजार में बेसहारा पशुओं को अब नहीं देखा जा रहा है, तो वहीं नेशनल हाईवे पर गौ सदन के नज़दीक पशुओं का जमावड़ा अभी भी लगा हुआ है। उपायुक्त महोदय जिला सिरमौर के आदेशानुसार शहर में जितने भी आवारा जानवर घूम रहे हैं उनको पकड़ कर राजगढ़ सेंचुरी और गौशाला कालाम रोड पर भेज रहे हैं। लगभग 30 जानवर के करीब राजगढ़ में और इतने ही लगभग गौशाला कालाम रोड पे भेज दिए। और जो जानवर जो ज्यादा खतरनाक थे, जो वैसे मैनुअली काबू में नहीं आ रहे थे, उनको इंजेक्ट गन के माध्यम से और वेटनरी की टीम के साथ मिलकर उनको बेहोश कर ट्रकों में लादकर लगभग वो 8 से 10 जानवर थे जो बहुत ज्यादा हैवी थे, उनको राजगढ़ सेंचुरी में भेजा गया है। आगे भी हमारा क्रम यही जारी रहेगा। अभी लगभग नान जानवरों से मुक्त हो गया है और आगे भी हमारा यही दौर जारी रहेगा जब तक कि हम इसको पूरे नान को हम क्लियर नहीं कर देते हैं। जल्दी ही हम पूरे नान को जानवरों से मुक्त, आवारा जानवरों से मुक्त कर देंगे। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।